हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं MD प्लस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम पोस्टपैड लाइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिन पहले पेटीएम ने एक पेटीएम पोस्टपैड लॉन्च किया था, जो कि कुछ दिन चला था। उसके बाद उसकी सर्विस बंद हो गई थी, जिसको मिला भी था वो यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में पेटीएम ने पेटीएम पोस्टपैड को बदल के पेटीएम पोस्टपैड लाइट नाम से फिर से लॉन्च किया है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, एक एक स्टेप बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेटीएम पोस्टपैड एक्टिवेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपके पास एक पिन नंबर होना चाहिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी, अपना वहाँ पर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अपनी सेल्फी देनी पड़ेगी। इसी के बेस पर पेटीएम पोस्टपैड लाइट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर लिमिट की कि पेटीएम पोस्टपैड लाइट में आपको लिमिट कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका अकाउंट पेटीएम में पहले से है और आपने उस अकाउंट को सही तरीके से यूज किया है, जो भी सेवाएं पेटीएम में दी गई है आपने सबको यूज किया है सही तरीके से, कभी भी आपने कोई भी गड़बड़ नहीं किया है, बहुत पुराना अकाउंट है आपका, आपने अच्छे तरीके से वहाँ पर मेंटेन किया है, बैंक वगैरह जो भी है, तो आपको पेटीएम अच्छी खासी लिमिट दे देगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट नया है, आपने कोई भी ज़्यादा यूजेज वगैरह नहीं किया है, फिर भी आपको लिमिट मिलेगी, लेकिन आपको कम लिमिट मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने दो अकाउंट में ट्राई किया, मुझे एक अकाउंट में 1000 की लिमिट मिली, जो कि एकदम नया अकाउंट था, और जो हमारा पर्सनल अकाउंट था जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, उसमें मुझे 5000 की लिमिट दी गई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में, कैसे कैसे एक्टिवेट करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा। तो अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं पेटीएम पोस्टपैड लाइट को, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करते हैं और आपको इसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो जैसे ही आप अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करोगे, आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेटीएम पोस्टपैड। चलिए हम यहाँ पे पेटीएम पोस्टपैड पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही पेटीएम पोस्टपैड ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे चार स्टेप बताया गया है, योर डिटेल है, ऑफर डिटेल है, KYC वेरीफिकेशन है, एक्टिवेट पोस्टपैड है। तो अभी यहाँ पर हम पहले स्टेप पर हैं, जैसे कि यहाँ पर है इंटर डिटेल। दोस्तों, इंटर डिटेल में यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर डालना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, ठीक है। जैसे आप अपना पिन नंबर डालेंगे तो आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। दोस्तों, पिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जस्ट वन मोर डिटेल टू गेट द बेस्ट ऑफर फॉर यू। तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एड्रेस का पिन कोड डालना है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके एरिया का पिन कोड है, जहाँ पे आप रहते हैं, वो पिन कोड यहाँ पे डालना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको फिर से सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरे स्टेप यानी कि ऑफर डिटेल पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है, हुर्रे, यू आर एलिजिबल फॉर पोस्टपैड लाइट, ठीक है। दोस्तों, पेटीएम पोस्टपैड लाइट में मुझे यहाँ पे 5000 की लिमिट मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ, योर मंथली स्पेंड लिमिट ऑफर बाई लैंडिंग पार्टनर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि जो पैसा आपको मिलेगा वो आदित्य बिरला की तरफ से मिलेगा, बस बीच में पेटीएम है, आपको पेटीएम के थ्रू ये पैसा खर्चा करने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल चार्ज, यानी कि आपको कोई ज्वाइनिंग फीस भी नहीं देना है और ना ही कोई एनुअल चार्ज कुछ भी नहीं देना है, मतलब जीरो है तो जीरो है, ठीक है। अभी दोस्तों, हमें करना क्या है, यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक लगे रहने देना है और उसके बाद यहाँ पे हमें एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हमें भेज दिया गया है KYC वेरिफिकेशन पे, यानी कि तीसरे स्टेप पे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक सेल्फी टू कंप्लीट योर KYC, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के लिए हमें टेक ए सेल्फी नाउ पे क्लिक करना है। सेल्फी लेने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीव्यू डिटेल एंड एक्टिवेट पेटीएम पोस्टपैड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट वेरिएंट लाइट, ठीक है, मंथली स्पेंड लिमिट है 5000, यहाँ पे कन्वर्जन फीस बता रहे हैं
कि आपको 1% देना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ उसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपने इस महीने में 100 रुपये का खर्चा किया है, ठीक है, और आपको इसकी पेमेंट अगले महीने करनी है 10 तारीख से पहले पहले, तो आपको 101 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब 1% ये कन्वर्जन फीस बोल रहे हैं लगेगा, ठीक है। चलो ठीक है, पहले बता दिया, ये सही बात है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ योर प्रोफाइल डिटेल, जैसे कि हमारा नेम, हमारा पिन नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट एड्रेस शो कर रहा है, ठीक है, जिसको हमने हाइड कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड एक्टिवेट पेटीएम पोस्टपैड पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पेटीएम पोस्टपैड लाइट है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो पेटीएम पोस्टपैड है वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम पोस्टपैड लाइट, योर स्पेंड लिमिट 5,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पासबुक का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने आपको पेटीएम पोस्टपैड एक्टिवेट करके दिखाया है, एक एक स्टेप हमने आपको सब कुछ बता दिया है। तो जैसे कि आपने देखा आपको पेटीएम पोस्टपैड लाइट एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे बस पिन नंबर डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, ईमेल आईडी डालनी होती है, अपनी यहाँ पे सेल्फी अपलोड करनी होती है। सेल्फी अपलोड करने के बाद जो भी लिमिट होती है वो आपकी अप्रूव कर दी जाती है, यानी कि आपकी जो पेटीएम पोस्टपैड लाइट है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों किसको कितनी लिमिट मिली है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।